तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड सिटिंग का सेट बी है। अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो भी आपको आपके क्वेश्चन इससे बिल्कुल मैच का आएंगे, केवल क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राहुल सर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें साइंस पेपर का मैंने किया है सोल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कहीं दूसरे जगह भी हो सकता है अगर दूसरा सेट है, लेकिन ये क्वेश्चन आप में जरूर होगा। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, कुछ नहीं पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। रासायनिक दूध कहा जाता है हार्मोन को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात, विमांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। निम्नलिखित में से कौन से लेंस के क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बैटरी से प्राप्त धारा होती है दिष्ट। फिर समीकरण, ये जो एक देख रहे हैं एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतर्ग्रहण का, और इसमें कुछ भी नहीं है शाकाहारी सर्वाहारी, ये तो पोषण का प्रकार नहीं है, स्वपोषित तो होता नहीं है, तो अंतर्ग्रहण ऑप्शन नंबर बी। अमर सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को बोला जाता है क्षार धातुएं। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु, जल, मिट्टी, इन सबों का इस्तेमाल हम संसाधन के रूप में करते हैं। जीवधारी कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। क्वेश्चन नंबर 20, तरंगदैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, और अगर एक आध क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाए तो क्षमा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करवाया जाता है एग्जामिनेशन के बाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। टूथपेस्ट होता है क्षारीय, ताकि हमारा मुंह को अम्लीय ना होने दे, और हमारे मुंह में जो ये होता है हमारे इनेमल जो होता है उसको खराब नहीं होने दे, तो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, कार्बोक्सिलिक में होता है सिंगल बॉन्ड COOH। फिर पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा तेज होती है चूहे की धड़कन, जितना छोटा उतना ज्यादा धड़कन तेज, ठीक है। तो सभी जीवधारियों में नाइट्रोजनी पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है, सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया का। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। पौधे में जनन अंग जो होता है वो होता है पुष्प में। फिर मेंडल ने अनुवांशिकी के लिए, ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछला सिटिंग में भी था मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 31, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ओजोन परत वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सारे के सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। टेहरी बांध उत्तराखंड में है, राजस्थान नहीं, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2। आमीटर से धारा का मान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। दर्पण का सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F। निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। तिलचट्टा में जो श्वास रंध्र होता है वो होता है 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। फिर किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? सिलिकॉन से। कौन सा लवण है? K2SO4 लवण है। उसके बाद आइए 47, कौन सी भारी धातु है? तो यूरेनियम 238 के समथिंग इसका होता है परमाणु भार। इथेन के एक अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर हो। अगर आपको मैथमेटिक्स के कल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो आप हमारे CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।